स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? छठी कक्षा के छात्र को इस वीडियो पाठ में हार्दिक स्वागत करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाते हूँ। ओके, पार्ट दो, चंद्रमा पर खरगोश। सभी पशुओं को आपने सुना, सुन लिया कहानी, सभी पशुओं का अभिमान हुआ। अब भगवान ने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए एक एक पशुओं के साथ साथ वहां मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है, इस तरह बोलते बोलते चले। लेकिन कोई पशु भगवान को खाना नहीं दी। अंत में भगवान ने कहा, गए ओके सी पृष्ठ नंबर 9 में है। अंत में भगवान खरगोश के पास गए। उस समय खरगोश गाजर खा रहा था। भगवान बोले, खरगोश भैया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाना दो। खरगोश ने पास केवल गाजर दी। इस खरगोश के पास जब भगवान ने गए तो गाजर को खरगोश खा रही थी। उसके पास केवल आधा या छोटा सा गाजर था। वहां भगवान ने चला गया, खरगोश भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। लेकिन सभी पशुओं ने क्या किया, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बछड़े को कुछ नहीं, दूध कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं। वहां बोले, लेकिन खरगोश ने, छोटा खरगोश क्या कहा, ले मेरे पास एक कुछ गाजर है, छोटा सा गाजर है। गाजर का मतलब कैरेट, ओके, कुछ गाजर है, उसको ले लो या खा लो। तुरंत गाजर गरीब आदमी बने भगवान को दे दी। भगवान जो बात पूछे तो भगवान को दे दिया, गरीब आदमी के रूप में वेश लेते ना। इसलिए भगवान बोले, लेकिन इतने से मेरा पेट नहीं भरता, छोटा सा गाजर कैसे भरता है, इसलिए मेरे छोटा सा इतना सा गाजर से मेरा पेट नहीं भरता है। खरगोश ने कहा, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट तो रुक जाओ, तुम्हारे भोजन का इंतजाम करता हूँ। इंतजाम का मतलब, इंतजाम अरेंजमेंट, इंतजाम को अरेंज करता हूँ। खरगोश ने आसपास से कुछ सूखी लकड़िया, सूखी लकड़ी का मतलब मुड़गे तकंत कटगे या तुंडगड़ अथवा ये लीव्स एनीवन, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡುಗಳು, ಲೀವ್ಸ್, ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಯ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪತ್ತರೊಂಕು ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ, ದೋ ಪತ್ತರೊಂಕು ಜೋಸಿ ಗಿಸ್ಕರ್, ದೋ ಪತ್ತರೊಂಕು ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಜೋಗಿಸ್ತಾ ಮುಂಚುವುದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಜೋರ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ದೇವ್ಸೆ ಆಗ್ಲಗಾಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಫೈರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಸುಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಖುದ್ ಕೇ ಸಿವಾ, ಖುದ್ ಕೇ ಸಿವಾ ಸಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಬೋಲಾ, आप मेरे पास खुद के सिवा कुछ भी नहीं है, आप तुम मेरा मांस बुनकर खाओ और अपनी भूख मिटाओ। सुनिए, सोचिए क्या कह रहा है खरगोश, मेरे पास आप गाजर थी आपको दे, मेरे पास मेरे सिवा नंदन भरता थी, मेरे सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस आग में मुझे बुनकर मेरी मांस बुनकर अन्नी सुटकोंडो नीवो तिन्नबहुदु, यू शुड ईट फॉर मी. इतने कहते हुए आग में खूद गई सी खरगोश ने क्या किया, इतना कहकर मेरे सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे शरीर उस मांस को तुम खाओ, यह कहकर आग में
में इस आग में वह बनाई थी ना आग, उस आग में वह खुद खुद थे झांपे। भगवान देवता ही रह गए और उन्होंने खरगोश के शरीर को आज तक नहीं, बिकॉज आप दैट गरीब आदमी कौन है, गरीब आदमी ये भगवान है। भगवान को, भगवान का मन खुश हुआ, सभी बच्चों को नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए खाने के लिए भगवान को, लेकिन खरगोश ने क्या दिए, उसका देह, उसका देह। ओके, मांस बनकर तुम खाओ, यहाँ कहकर उसको क्या क्या कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया इस आग में। तन्न ताने अदो बेंकी ये सुटकोंडु तन्न मांसवन्न तिन्नु अदर देहवन्न नन्ने सुटकोंडु तिन्नु अंत कोड्तल। सो भगवान ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು। ಸೊ ಆಂಜ್ ತಕ್ ನಹಿದಿಯ ಭಗವಾನು ಆ ಒಂದು ಏನು ರಾಬಿಟ್ ಖರಗೋಷ್ಗು ಏನು ಆಮದೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತು। ಸೊ ಖರಗೋಷ್ಗು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಗು ಸಿಕ್ಕ ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲ ಇಸ್ ಆಗ ಮೇ ಜಂಪಿಂಗ್ ಉಸ್ ಖರಗೋಷ್ಗು ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲ ಅವ್ರ ಬೋಲಾ ಬೇಟಾ ತುಮ್ ತೋ ಛೋಟೆ ಖರಗೋಶ್ ಛೋಟಾ ಹೋತಾ ಹೈ तुम तो छोटे हो लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी है। हाथी बड़ा है लेकिन उसका उपयोग नहीं हुए। ओके, लायन शेर बड़ा था लेकिन उसने भगवान को कुछ नहीं दिया, मैना पेड़ भी नहीं बढ़ता। लेकिन सुनिए, देखिए इस छोटा सा खरगोश दिखने में छोटा लेकिन उसका मन यार उधर है, उसका बहुत, उसका उपयोग बहुत। तुम दिखने में छोटा हो लेकिन तुम्हारे उपयोग बहुत ज्यादा है। आप समझ में आए क्या है, कौन ज्यादा उपयोगी है, आप बोलो बच्चों। यस, कौन ज्यादा है, खरगोश। ओके, सो मैं तुम्हें अपने पास ऐसा स्थान में दे रहा हूं, तुम्हें देखते सारी दुनिया तुम्हें ऑलवेज हमेशा देखते रहेंगे। इसलिए भगवान ने खरगोश को चंद्रमा में स्थान दिया, चंद्रमा और चंद्रमा में मून। ओके, इस चंद्रमा में भगवान ने उसका स्थान दिया। वी आर लुकिंग डेली, ऑलवेज लुकिंग मून, मून में खरगोश। ओके, इसलिए तुमको कहां स्थान दिया, मून में या चंद्रमा पर तुम्हारे इस खरगोश का स्थान दिया। इसलिए चंद्रमा को व्हेन दैट रॉबिट सिटिंग मून देन ओनली ही चेंज द नेम, दिस मून ओनली चेंज द नेम शशांक। शशांक क्या है, शशांक, शशांक का अर्थ क्या है, चंद्र, चंद्रमा या चांद। कैन अंडरस्टैंड, समझ में आए। तब से आज तक इसे वहां हमें खरगोश दिखाई देता है और इसलिए चांद को शशांक कहते हैं। शशांक चांद को क्या कहते हैं, चांद को शशांक कहते हैं। आपको समझ में आए। ओके, भगवान परीक्षा लेने के सभी प्राणियों के पास गए लेकिन सभी प्राणी कुछ नहीं दिए, लेकिन अंत में खरगोश के पास गए। खरगोश ने अपने आप को, अपने देह को मांस बुनकर तुम खाओ कहकर अपने आप को अपने आग में समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान खुश होकर उसको, सभी लोग हमेशा देखते रहते हैं, तुम्हारा उपयोग बहुत है, इसलिए तुम कहां जाओ, तुम्हारा स्थान कहां है, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर बिठा दिया, चंद्रमा पर स्थान दिया। इसलिए चंद्रमा को अवरित नाम से हम उतारते हैं आज भी, शशांक। शशि है, शशि का मतलब भी जानता एक चंद्रमा पर, शशांक, शशांक का मतलब चंद्रमा। वेन आ खरगोश अंतकंतु मन अंतकंतु चंद्रनल्ली इरोद्रिंद ಈ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಬಂತು, ಶಶಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಆ ಇಸ್ ಪಾಠ ಕೋ ಪಡಿಯೇ ಏಕ್ ಏಕ್ ಲೈನ್ ಮೇ
समझने की कोशिश कीजिए. एनी डाउट्स प्लीज यू शुड आस्क कम ऑन थर्सडे. ओके, इस कहानी में कोई बेटे आया तो आप पूछिए.